राजधानी दिल्ली में फैले प्रदूषण को लेकर जमकर राजनीति हो रही है। शुक्रवार को इस मसले पर शहरी विकास मंत्रालय की संसदीय स्टैंडिंग कमेटी की बैठक हुई, जिसमें कई सांसद नदारद रहे। बैठक में ना पहुंचने वालों में पूर्वी दिल्ली से सांसद बीजेपी और पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर भी रहे। अब इसी मसले पर आम आदमी पार्टी ने उन पर निशाना साधा है। आपने पूछा है कि क्या प्रदूषण को लेकर गंभीरता कमेंट्री बॉक्स तक ही सीमित है। आम आदमी पार्टी ने शुक्रवार दोपहर ट्वीट किया कि संसदीय कमेटी के बैठक में आज का एजेंडा दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण था, जिसके बारे में एक हफ्ते पहले ही जानकारी दे दी गई थी, लेकिन इस बैठक में गौतम गंभीर गायब रहे। क्या प्रदूषण को लेकर गंभीरता कमेंट्री बॉक्स तक ही सीमित है। इस ट्वीट के साथ आम आदमी पार्टी ने गौतम गंभीर की एक तस्वीर भी साझा की है, जिसमें वो इंदौर टेस्ट के दौरान साथी कमेंटेटर वीवीएस लक्ष्मण के साथ मिष्ठान का लुत्फ उठा रहे हैं। शुक्रवार को संसदीय कमेटी में जब ये बैठक हुई तो कुछ ही सदस्य पहुंच पाए। कमेटी की ओर से जिन अधिकारियों को समन किया गया था और जो प्रेजेंटेशन देने को कहा गया था, उन्होंने अपने जूनियर अधिकारी को भेज दिया, जिसके बाद कमेटी चेयरमैन जगदम्बिका पाल ने नाराजगी जताई है। यही कारण रहा कि प्रेजेंटेशन भी कैंसिल कर दी गई। गौतम गंभीर भी इस कमेटी का हिस्सा है, जो इस वक्त इंदौर में चल रहे भारत बांग्लादेश टेस्ट मैच में कमेंट्री कर रहे हैं। दिल्ली में फैले प्रदूषण के मसले पर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी में रोजाना टकरार होती है, फिर चाहे दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी हो या फिर गौतम गंभीर। बीजेपी की सभी नेता दिल्ली में फैले प्रदूषण के लिए आम आदमी पार्टी की योजनाओं को जिम्मेदार मानते हैं। गौतम गंभीर पहले भी कह चुके हैं कि दिल्ली सरकार ने प्रदूषण से निपटने के लिए कुछ भी नहीं किया है, और जिस पेरिफेरल एक्सप्रेसवे की वजह प्रदूषण कम हुआ है वो भी केंद्र सरकार ने बनाया है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को ऑड इवन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सोमवार को इस मसले पर फैसला लिया जाएगा कि इसे बढ़ाया जाए या नहीं। साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण फैल रहा है, उसके लिए अधिकतर हरियाणा पंजाब में जलाई जा रही पराली जिम्मेदार है।